हे गाइस वेलकम बैक टू राधिका कार टेक इंडिया। और दोस्तों अभी हम लोग निकले थे घूमने के लिए, बट अभी गाड़ी में एक फॉल्ट आया हुआ है, डिस्क ब्रेक से रिलेटेड है। अभी सुनिए क्या एक आवाज़ आएगी इसमें से, देखिए ये अचानक ही आवाज़ आई है। तो अभी हम इसको ले जाएंगे गैरेज और देखते हैं कि फॉल्ट क्या है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों गैरेज में। तो हे गाइस फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं वर्कशॉप और टायर को कराएंगे ओपन और देखते हैं ब्रेक पेट का क्या हाल है। दोस्तों जब से मैंने व्हीकल लिया है तब से इसकी ब्रेक पेट की सर्विस बिल्कुल नहीं हुई दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि ब्रेक पेट का क्या हाल है दोस्तों। तो साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि 4000 किलोमीटर जो पहले सर्विसिंग हुई है उसमें टाटा ने इसके ब्रेक पेड क्यों चेक नहीं किए, क्यों ये जनरल चेकअप में इनको नज़रअंदाज किया गया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो। तो भैया अभी जैक लगा चुके, देखते हैं ब्रेक पेड क्या हाल है अभी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं तो लेके जाता गाड़ी को टाटा के शोरूम पर ही, पर फॉल्ट ऐसी जगह आया है जहाँ से टाटा का शोरूम है 180 किलोमीटर दूर। और बात है ब्रेक पेड से रिलेटेड दोस्तों, ब्रेक से रिलेटेड, तो वहाँ तो हम ब्रेक्स बिल्कुल नहीं ले सकते दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक पेड निकल चुका है और आप देखिए कि ब्रेक पेड का जो हाल है कितना खराब हो चुका है, एकदम खत्म सा हो गया है ब्रेक पेड बिल्कुल। और इसी सर्विस के भरोसे, टाटा की सर्विस के भरोसे इस गाड़ी को हम लेके चले गए उज्जैन इसके बाद। और आप देख सकते हैं ब्रेक पेड की तरह बिल्कुल एकदम क्रैक हो चुका है मेरा भरोसा दोस्तों। तो मेरी तो एक एडवाइस है दोस्तों, बिल्कुल भी जब भी आप सर्विस कराएं दोस्तों आंखों के सामने कराएं, भरोसे में बिल्कुल ना कराएं दोस्तों। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पेड लेने के लिए, चलते हैं दुकान में भैया से टाटा एल्ट्रोज का ब्रेक पेड लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग शॉप पहुंच चुके हैं, भैया से लेते हैं टाटा एल्ट्रोज का ब्रेक पेड। भैया टाटा अल्ट्रोज का ब्रेक पेड मिल जाएगा अपने यहाँ पर? तो दोस्तों फिलहाल हमें मिल चुका है ब्रेक पेड टाटा अल्ट्रोज, SC कंपनी का ही है। तो दोस्तों जैसा कि नए ब्रेक पेड और पुराने ब्रेक पेड आपके सामने आप देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि ब्रेक पेड हमें कितने हजार किलोमीटर में चेंज कराने हैं, तो दोस्तों हम इसे 30,000 से 35,000 के बीच में इसको चेंज करा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रेक पेड को। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर हम थिकनेस के हिसाब से देखें कि ब्रेक पेड की थिकनेस के हिसाब से हमें कब चेंज कराना है दोस्तों, तो जैसा कि 12 mm का अगर ब्रेक पेड है आपका, तो उसमें 12 से 8 mm के बीच की थिकनेस आपकी स्टार्टिंग की वेयर आउट होने की कंडीशन है, यहाँ आप आराम से चला सकते हैं दोस्तों। सेकेंड, अगर आप इसको 8 mm से 6 mm बसता है ब्रेक पेड, तो वहां आपको दोस्तों यहाँ ब्रेक पेड आपको चेंज कराना बिल्कुल जरूरी है, आप यहाँ चेंज करा सकते हैं दोस्तों। और 3 से 2 mm की जहाँ थिकनेस बचती है दोस्तों, वहां आप बिल्कुल इसको गंभीरता के साथ में लें और ब्रेक पेड चेंज कराएं, यहाँ दुर्घटना कारण बन सकता है दोस्तों। फिलहाल ब्रेक पेड मैंने ले लिया है, इसका जो प्राइस है मुझे 1200 रुपये के 4 ब्रेक पेड मिले हुए हैं। चलते हैं वर्कशॉप और ये फिक्स कराते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग अभी दूसरे साइड का जो राइट साइड का है टायर है उसका निकाल रहे हैं ब्रेक पेड, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड का जो ब्रेक पेड है वो मेरे हाथों में दोस्तों, जो लेफ्ट साइड के ब्रेक पेड से काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिख रहा है दोस्तों। और अगर हम वहीं बात करते हैं दोस्तों टाटा की सेफ्टी के बारे में, तो टाटा तो अपनी सेफ्टी के लिए ही जानी जाती है, 5-स्टार रेटिंग के लिए जानी जाती है दोस्तों। पर अगर हम वही दूसरी ओर बात करते हैं दोस्तों टाटा के सर्विस सेंटर के लिए, तो वहाँ पर इस तरीके की लापरवाही करते हुए टाटा की सेफ्टी के लिए टाटा के सर्विस सेंटर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों टाटा को यहाँ एक्शन लेना जरूरी है ऐसे सर्विस सेंटर के लिए जहाँ पर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि ब्रेक पेड लग चुके, अभी मैं आपको MID में दिखाऊंगा कितने हजार किलोमीटर मेरी गाड़ी अभी तक चल चुकी है। दूसरी चीज ऑन रिकॉर्ड में आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने हजार किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी का सर्विस हुई थी दोस्तों, ठीक है। तीसरी चीज एक मिस्टेक आपको दिखाऊंगा टाटा की जो सर्विस के दौरान हुई दोस्तों, जो आपको MID में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इग्निशन करते हैं ऑन, अभी आप देख सकते हैं गाड़ी जो हमारी 35,020 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों। और यहां आप देख सकते हैं कि एक सर्विस लाइट आ रही है, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें सर्विस ड्यू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सर्विस होने के बाद भी ये चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, तो ये कि मिस्टेक है टाटा की ओर से। और आपको मैं ऑन रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि अभी सर्विस में हमारे क्या क्या चीज़ हुई थी और कितने हज़ार पहले हुई थी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 19/10/2022 को सर्विस हुई थी, 31,541 किलोमीटर गाड़ी अभी टोटल चल चुकी है दोस्तों। आप इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या काम हुआ था, इसमें इंजन चेंज हुआ था दोस्तों, वाटर पंप चेंज हुआ था, इंजेक्टर चेंज हुए थे, कूलेंट, AC गैस, ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें। 30,000 वाली सर्विस में ये सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आप अभी सोच रहे होंगे कि यार 30,000 वाली सर्विसिंग में इंजन भी चेंज हो गया, इंजेक्टर चेंज हो गए, कूलेंट चेंज हो गया, एसी गैस चेंज हो गई, तो दोस्तों ये चीज वाकई चेंज हुई थी। इसका फुल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे मेरे, और अगर आप वीडियो पूरा देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों।